भारत जय छत्तीसगढ़ जय जोहार साथी मन। हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव चलत रही, मैं भी रायगढ़ ले चुनाव लड़त रहे रायगढ़ विधानसभा में। तो आप मन के बीच में खेती पाती ले थोड़े दूर हो गए हैं, आज थोड़े समय मिली। सुबह सुबह आज हमन गांव में आए हैं, अभी जनसंपर्क और जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे। रायगढ़ में अभी ज़्यादा समय पूरा समय में रहता हूँ, तो आज सुबह हमारे समय मिली तो मोर फार्म में आए। वेरायटी है ऑरेंज वेरायटी है और ग्रीन वेरायटी है, तीन प्रकार के वेरायटी है। तो ये ड्वार्फ कोकोनट के येलो वेरायटी है और ये में आप देख सका था कि ये मतलब ग्रोथ है पेड़ के, देख सका था आप एक पेड़ वाल नीचे देख सका था, समझ सका था कि कतका ज़्यादा ग्रोथ हुए। पिछले साल अप्रैल माह में, पिछले के पीछे साल अप्रैल माह में लगाए गए रही से, और अप्रैल से गिने से दो ढाई साल के अंदर में फल आना चालू हो जाए, चार साल में के अंदर में फल आना चालू हो जाते। ओकर अलावा जो गैप रही दो दो नारियल के बीच में, इनमें बाकी मन के गैप में मैं चीकू लगाए हों, कटहल लगाए हों, दो दो नारियल के बीच में चीकू या कटहल लगाए हों। लेकिन यहाँ मेन रोड है, मेन रोड यहाँ से रोज मूवमेंट रहते, बहुत सारा गाड़ी मन के राजनीति में है। तो चंदन के पेड़ हर परजीवी होते और यहाँ रहेड़ लगाए गए इला सपोर्ट करे बर। और ये देख सका था आप बीच में, यह चंदन सफ़ेद चंदन के पेड़ है और यह 12 से 15 साल के बीच में तैयार होते ऐसे माने जाते। बहुत ज़्यादा अनुभव मोला नहीं है लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं हूँ इला लगा दे हूँ। ये सफ़ेद चंदन है, इला रहेड़ के साथ या कुछ भी जो आप जाना था, रहेड़ हर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करे काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम बहुत मजबूती के साथ करते और ग्रोथ में पौधा के बहुत सहायक होते। तो एक साथ में सपोर्टिंग प्लांट के रूप में रहेड़ लगाए जाते। ये आप देख सकते हैं चंदन के पेड़ बहुत अच्छा ग्रोथ आ गए ना, इसे यह सफ़ेद चंदन है और एक सपोर्ट में रहेड़ लगाए गए हैं जो हमार दलहनी फसल है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम करते। आप में और देख सकते हो कि जो ये आप प्रोडक्शन हो इसे सेकेंड क्रॉप में, फर्स्ट क्रॉप तो बहुत अच्छा गीस ही है, सेकेंड क्रॉप भी बहुत अच्छा इसे और बिना खर्चा के थर्ड क्रॉप आन दे थन हमन, देखो कत का प्रोडक्शन नहीं तेला। और कई जन नहीं भी ले थर्ड क्रॉप, लेकिन थर्ड क्रॉप तक ले में मोला लगते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना खर्चा के बहुत बहुत कुछ निकल सका थे और काफ़ी अच्छा पेड़ थर्ड क्रॉप के लिए भी बना थे। यहाँ से मिले जुले आते हैं कि मन ठप गेट मुलाकात करे के मन ठप मिले जुले के बहुत अच्छा जगह बन गए है और सब जन कई तरह ही मिलखन जुलखन बहुत अच्छा तरीका से। और जय श्री राम जी के जो पोस्टर लगाए हैं लैका मन तेरा बर्मी कंपोस्ट बनाए के काम की जैसे। और ये ड्वार्फ वेरायटी के कोकोनट्स हैं और ड्वार्फ इनटू टॉल वेरायटी के नया मतलब नया हमन वो भी ड्वार्फ इनटू टॉल वेरायटी के नया मतलब नारियल भी लगाए हैं और अभी कुछ कटहल के भी हमन इंट्रोड्यूस करे हैं। और जो साइड वाला एरिया है तेरे ड्वार्फ इनटू टॉल कोकोनट और दो कोकोनट के बीच में कटहल, कटहल के वैरायटी ला वो में इंट्रोड्यूस करे हैं। वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा तरीका से सफल हो ही, ये बात बहुत स्पष्ट है। और ये देखा था कि सेकेंड क्रॉप जो केला के आए हैं काफ़ी अच्छा है और थर्ड क्रॉप के पेड़ बन भी बहुत अच्छा से तैयार होते, तो बहुत अच्छा तेजी से चला थे। तो मैं चीकू दिखाना चाहता है, कटहल भी काफ़ी अच्छा तरीका से ग्रोथ होती है हमारे क्लाइमेट में, कटहल में भी कहीं कोई समस्या नहीं है। बिक्री के का स्थिति रही तेरा थोड़े देखना समझना पड़ी कैसे बिक पड़ी, बाकी मैंने अच्छा वेरायटी है, अर्ली क्रॉप थे देखा था कुछ अच्छा हुई तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाए हैं, अच्छा हुई तो बड़ी स्केल में लगावो ऐसे विचार करके लगाए हैं। आप देखा चीकू के पेड़ क्लाइमेट बहुत अच्छा सूट करते हैं हमारे, चीकू के पेड़ देख सकता है, चीकू के हर क्रिकेट बॉल वेरायटी है और कुछ काला पत्ती वेरायटी भी लगाए हैं। बट आप देख सकते हो एक साल मुश्किल से हो है, एक साल और एक दो महीना 14 महीना लगभग हो है, जड़ पकड़ ली ना बहुत अच्छा तरीका से ग्रोथ होते, दो साल के अंदर हूँ अच्छा तरीका से फल आना चालू हो जाही। तो दो ठन नारियल मन के बीच में, जैसे ये नारियल है दो ठन नारियल के बीच में एक चीकू लगाए हैं, नारियल ऊपर जाके सीधा निकल जाही, चीकू एक कैनोपी बना ली तो दोनों लिए स्पेस मिल जाही और दोनों एक दूसरा डिस्टर्ब नहीं करें, पर्याप्त स्पेस भी दोनों मिल जाए, तेकर भी इसने कॉम्बिनेशन मेला लगाए गए। तो ये एरिया में बर्मी कंपोस्ट बनाए जाते और ये एरिया में बर्मी कंपोस्ट बना था, केला के पत्ता सब मतलब यूज करते हुए बाकी सब। और बीच बीच में आप मन के बीच में मैं आत रहा लगातार मोर खेती के तहत,
खेती के अनुभव, खेती के माध्यम से मानसिक शांति, शरीर बेहतर करना, ये सब भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमार खेती ला एक विकल्प के रूप में हमार युवा मन, हमार आने वाला पीढ़ी नहीं देखे। मुझे लगते कि 5,000-10,000 के प्रदूषण के साथ फैक्ट्री मन में खटर पटर के बीच में जो नौकरी करे में मरत रहते हैं, हमारे युवा साथी में मरत रहते हैं, वो कले ज़्यादा अच्छा खेती हर भी विकल्प हो सका थे अच्छा तरीका से किए जाए। तो ये चीज़ ला स्थापित करना भी हमारे उद्देश्य है। खेती के माध्यम से भी अच्छा इनकम किए जा सका थे। और खेती तो अनिवार्य हिस्सा रिच मानव जाति के लिए, देश के लिए, सबके लिए, तो खेती भी महत्वपूर्ण है। और मोर खेती के आज के एपिसोड ला चुनाव के बाद थोड़ा समय मिली तो आज मन आप मन के बीच में लेके आए हूँ। अभी फिर तुरंत मोला वापस रायगढ़ जाना है। बहुत सारा हमार दोस्त यार, हमारे कार्यकर्ता मतलब मिले व बुलाए हों में, तो फिर रायगढ़ जाना है जल्दी, तो जात हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मोर खेती के एपिसोड में आप मन देखा तेकर लिए धन्यवाद।